फ्रेंड्स, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, ग्रह व्यवस्था, जिसमें आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा समय का व्यवस्थापन, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। इसमें लिखेंगे जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। समय सबसे उपयोगी एवं सीमित साधन है। समय मानव जीवन का अमूल्य खजाना है। प्रत्येक मनुष्य के पास 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। सभी को उस सीमित समय में कार्य करना पड़ता है। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता है, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय व्यवस्थापन का अर्थ भी यही होता है कि हम समय को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि हमारे पारिवारिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, समय का आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। जिन ग्रह कार्यों में अधिक समय लगता है, उनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। प्रत्येक कार्य में समय का संतुलन रखना अति आवश्यक है। व्यक्ति को दिन भर में अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से समय विभाजित करके करना चाहिए। गृहिणी को प्रातः काल ही हर दिन भर के कार्यों की योजना बना लेनी चाहिए। कार्यों के अनुसार समय बांट लेना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को कार्य व समय का ध्यान रखकर यह व्यवस्था करनी चाहिए। समय की योजना बनाते समय यह निश्चित कर लिया जाता है कि एक निश्चित व विशिष्ट समय में उनको कौन सा कार्य करना होता है। कभी-कभी ऐसा कार्य भी सामने आ जाता है जिसकी कभी भी आशा भी नहीं की जाती। तो ऐसे समय में समय और कार्य की प्रमुखता व महत्व देखकर व्यवस्था की जाती है। अब हेडिंग डालेंगे समय व्यवस्थापन के साधन, टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इसमें लिखेंगे समय व्यवस्थापन करते समय कुछ साधनों को ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है। समय का सदुपयोग करने के लिए हमें कुछ तत्वों को ध्यान में रखना है, जैसे कि फर्स्ट हेडिंग इसमें हमारी लिखेंगे समय का महत्व तथा मूल्य, टाइम कॉस्ट। इसमें लिखेंगे मूल्य के बारे में एक विद्वान ने कहा है कि यदि तुम जीवन से प्रेम करते हो तो व्यर्थ समय नष्ट मत करो, क्योंकि समय ही तो वह वस्तु है जिससे जीवन का निर्माण हुआ है। अर्थात समय का महत्व जीवन में बहुत अधिक है। समय एक सीमित साधन है,
इस समय द्वारा विभिन्न कार्यों को संपन्न करना पड़ता है। गृह प्रबंध को परिवार से उपलब्ध 24 घंटों का इस प्रकार से विभाजन करना चाहिए कि कम से कम समय में अधिकतम पारिवारिक क्रियाओं को संपन्न किया जा सके। समय का संतुलन कार्य, वर्क, विश्राम, रेस्ट और शयन स्लीप में स्थापित होना चाहिए। समय के मूल को सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। समय व्यय करने के संबंध में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात से ही अर्थात 1919 से 20 से ही अध्ययन चल रहे हैं। यह अध्ययन सबसे पहले अमेरिका में हुआ। अमेरिका की उन गृहिणियों के सहयोग से यह अध्ययन किया गया जो कि प्रतिदिन अपने समय के कार्य को लेखवद रखती थीं। यह अध्ययन परिवार के सदस्यों के सामूहिक अनुमानित समय के व्यय और क्रियाओं के समूह पर क्रमानुसार समय के व्यय के संबंध में हुआ है। इस अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि एक गृहिणी का महीने भर का कुल कार्य 195 से 215 घंटे तक होता है। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में 1950 से 1960 के बीच में काफी अध्ययन हुए। फिर 1954 में अमेरिकन विद्वान एलिजाबेथ विगेंड व 1956 में अमेरिका के एल कोलेस और रूथ डी डाइलस ने दो अध्ययनों के आधार पर निम्न परिणामों की पुष्टि की, जिनके सामान्य निष्कर्ष संक्षिप्त रूप में निम्नानुसार हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भोजन संबंधी क्रियाओं पर गृहस्थी की क्रियाओं के अन्य किसी भी समूह की अपेक्षा लगभग 2 गुना समय व्यय होता है। सेकंड पॉइंट में, भोज्य संबंधी क्रियाओं में केवल सफाई पर भोजन पर व्यय होने वाले कुल समय का 1/3 तथा भोजन तैयार करने में शेष 2/3 समय होता है। थर्ड पॉइंट में, महत्व की दृष्टि से दूसरे नंबर की क्रियाएं घर की सुरक्षा और वस्त्र आदि की देखभाल और सफाई संबंधी क्रियाएं हैं। इन दोनों ही क्रियाओं में लगभग बराबर समय व्यय होता है। लास्ट फोर्थ पॉइंट, परिवार की देखभाल तथा घर के लिए सामग्रियों को एकत्रित करना एवं गृह व्यवस्था, ये महत्व की दृष्टि से तीसरे नंबर की क्रियाएं हैं। इस प्रकार पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस प्रकार समय व्यय करने से पूर्व उनकी योजना बना लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन का समय
विभिन्न कार्यों के मूल्यों के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। गृहिणी को चाहिए कि वह समय का अधिकाधिक सदुपयोग करें। तो जो हमारी हेडिंग चल रही थी, समय का महत्व अथवा मूल, हमारी फर्स्ट हेडिंग थी। ये हेडिंग कंप्लीट होती है, सेकंड हेडिंग हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।